नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका आज के इस वीडियो में। आज है शनिवार 11 सितंबर सन 2021। आज सप्ताह का आखिरी दिन है, तो आज हम देखेंगे कि शनिवार के लिए कक्षा 1 व 2 की शिक्षक डायरी में हमें क्या भरना है, क्या पढ़ाना है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो करते हैं प्रारंभ पहले कक्षा 1 की शिक्षक डायरी। सर्वप्रथम आप देखेंगे यहाँ कक्षा डालेंगे, इसके बाद विषय हिंदी, गणित, इंग्लिश, अंग्रेजी। अब देखेंगे लर्निंग आउटकम, जिस पे हमें कार्य करना है, जो जिस चैप्टर पर कार्य करना है। पहले रहेगा चित्र पर चर्चा, ठीक है, चार्ट पर हम चर्चा करेंगे। कहानी पोस्टर नहीं है, आज शनिवार है, कहानी पर कार्य नहीं है। इसके बाद अनुकूल वातावरण, इसमें हम गतिविधियाँ करा सकते हैं बच्चों के लिए, और पाठ्य पुस्तक कलर से कार्य होगा। इसके बाद कार्य पुस्तिका और इंग्लिश से कार्य होगा। तो सर्वप्रथम ई पाठशाला जो साप्ताहिक सामग्री है उसकी पुनरावृत्ति भी हम देखेंगे, करा सकते हैं क्लास में। कहानी में भालू और मदारी की कहानी सुनाएंगे बच्चों को, कहानी को रोचकता के साथ प्रस्तुत किया गया। गतिविधि में फलम फूलम सब्जियों में गतिविधि है, बहुत ही अच्छी है, वो हमने कराई। इसका कलरअप का पार्ट है आपका 5, पृष्ठ संख्या आप देखेंगे 20 और 21 पर कार्य कराया गया। होमवर्क चेक किया गया। कार्य पुस्तिका का पृष्ठ संख्या 15, 16, 17 पर कार्य कराया गया, और लेट्स स्पीक पृष्ठ संख्या 97, 98, ये कलरअप का पार्ट है तो इंग्लिश में उस पर पार्ट हमने वो पढ़ाया। और टेक्स्ट बुक में होमवर्क आज दिया गया। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन हो जाएगा, बच्चे अक्षरों पर पेंसिल फिराना सीख रहे हैं। अब देखते हैं कक्षा दो में हिंदी, गणित, अंग्रेजी। हमारा लर्निंग आउटकम कक्षा दो का वही है सेम। इसके बाद देखेंगे ई पाठशाला साप्ताहिक सामग्री की पुनरावृत्ति रहेगी। चित्र चार्ट में एक सड़क का चार्ट है, उस पर हम चर्चा करेंगे। गतिविधि फलम फूलम सब्जियम जो 1 में कराई थी वो हमने 2 में कराई थी। वर्णमाला एवं मात्रा पहचान एवं शब्द पठन, ये कार्य पूरी सप्ताह चला था ये। इसके बाद देखेंगे गृह कार्य चेक किया गया, वर्ण एवं मात्रा पहचान एवं शब्द पठन। इसके बाद इंग्लिश में देखेंगे तो लेट्स रिवाइज पृष्ठ संख्या 90 पे देखेंगे किस लेट्स है, याद कराया गया और सुना भी गया। टेक्स्ट बुक पर होमवर्क दिया गया। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वकलन हो जाएगा, बच्चे वर्ण की पहचान करना सीख रहे हैं।